इन पांच तरीकों से आप अपनी गर्दन की मसाज ऐसे कीजिए, आपके सर्वाइकल का दर्द है या गर्दन का दर्द है या सर्वाइकल की वजह से आपकी जो यहाँ की ये जो नस है ये ब्लॉक हो गई है जिस वजह से आपको चक्कर आते हैं, या आपके जो सिर के ये जो है यहाँ पे आपके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, या फिर आपके जो हाथ है हाथ आपके बिल्कुल सुन्न हो गए, इनमें सुनपन आ गया है, तो कैसे इन पांच तरीकों से आप घर बैठे आपके जो गर्दन की समस्या है, जकड़न है, उसको आप दूर कर सकते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लगाना है तेल। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, गोले का, सरसों का, जो भी तेल आपके घर पे अवेलेबल हो उस तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने तेल को क्या करना है, थोड़ा सा आपने हाथों पर इस तरीके से लगाना है और इस तरीके से इसको अच्छे से मलना है ताकि आपका जो तेल है वो आपका गर्म हो जाए, तो हल्का सा गुनगुना हो जाएगा ऐसे तेल। उसके बाद आपने क्या करना है, जहां पे भी आपके पेन है गर्दन में वहां पे आपने इससे तेल लगाना है। तेल लगाने से क्या होगा, आपके जितने भी टिश्यूज है यानी मसल्स के अंदर के जितने भी टिश्यूज है वो आपके एक्टिव हो जाएंगे और उसके बाद आप जो भी अपने गर्दन पर मसाज करेंगे वो सीधा के सीधा अंदर जाएगी और जिस वजह से आपको जो है सर्वाइकल की दर्द है या मांसपेशी आपकी जकड़ी है वो आपकी ठीक हो जाएगी। पहला स्टेप आपने क्या करना है, ये देखिए गर्दन का जो ये साइड वाला हिस्सा है, यहाँ आप देख सकते हो इस तरफ जो ये वाला हिस्सा है, ज्यादातर लोगों को जो होता है यहीं पे सर्वाइकल का पेन सबसे ज्यादा होता है, मतलब ऐसा होता है कि गर्दन वो जो घुमा नहीं पाते, गर्दन नीचे नहीं कर पाते, उनको दर्द होता है, तो वहां पे ये दो अंगूठों का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से अंगूठे को ऊपर और नीचे की तरफ करना है, एक अंगूठा नीचे जाएगा तो दूसरा अंगूठा जो है ऊपर की तरफ आएगा, इस तरीके से करना है। और आपने ज्यादा प्रेशर नहीं देना, बिल्कुल हल्का सा आप प्रेशर देते हुए इसको इस तरफ से करेंगे। फिर दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से आपने जो है इसको इसी तरीके से इस मसाज के पहले स्टेप को आपने करना है। इससे क्या होगा, आपके जो सर्वाइकल की वजह से जो ये साइड की आपकी नसें जो है, यहां देखोगे आप ये नसे में जो है बहुत ज्यादा दर्द होता है, कंधों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, आपकी जकड़न को दूर करने के लिए एक बहुत ही सही स्टेप है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, कई लोगों को जो ये देख रहे होगे आप यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं, ये सर्वाइकल की जो नर्व्स होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, मतलब वो इस तरीके से अगर अपनी गर्दन घुमाते भी हैं तो गर्दन घुमाते वक्त यहाँ से उनके जो आवाज आनी शुरू हो जाती है, सर्वाइकल इतना बुरा हो जाता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ये पॉइंट्स है, इसको इस तरीके से आपने प्रेस करते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ जाना है, ये ध्यान से आप देख सकते हो, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से दोनों अंगूठों से आपने प्रेशर देते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ जाना है ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है गर्दन का वो आपका इससे एक्टिव हो जाए और जो गर्दन में आपके दर्द होता है वो भी आपका इससे ठीक हो सके। और तीसरा काम आपने क्या करना है, ये आपके हाथ है, कंधे हैं, ज्यादातर लोगों का जो है कंधे में बहुत ज्यादा दर्द होता है सर्वाइकल की वजह से, इसको जो है आपने इस तरीके से बनाना है और पांचों उंगली का यूज करते हैं, इस तरीके से आपने उठाना है। देखिए अब ये जैसे ये हाथ मेरे रुके हुए हैं, ये ऊपर की तरफ जो है मांस रुका हुआ है, तो इस समय यहाँ क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल रुक गया है। अब रुकने के बाद आपने 10 सेकंड ऐसा होल्ड रखेंगे और आप एकदम से छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम चलना शुरू होगा और जो आपके जकड़न बनी हुई है गर्दन की वो आपकी इससे दूर हो जाएगी। ऐसे 10-10 सेकंड का होल्ड करके आपने जो है इसको छोड़ देना है और ऐसा आप 10-10 सेकंड का होल्ड करके 4 से 5 बार करेंगे तो आपको जो है इससे बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। अब चौथे स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, ये आपके दो उंगलियां हैं, ये दोनों उंगलियां आपने लेने, बीच वाली उंगली और दूसरी उंगली, इसको जो है आपने इस तरीके से बनाना है और बनाते हुए इस तरीके से आपने प्रेस करते हुए पूरी गर्दन पर इसको घुमाना है। पहले ऊपर ये देखिए पूरा एक क्लॉकवाइज आप इसको घुमाते जाएंगे और क्लॉकवाइज आपने इसे घुमाते रहना है, इससे भी आपके जो टिश्यूज है वीक हो गए हैं गर्दन के वो आपके ठीक हो जाएंगे और इससे भी आपको जो है काफी ज्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन का प्रभाव भी अच्छा होगा, साथ के साथ आपके दर्द में जो है आपको ये रिलीफ दे सकता है। और पांचवा काम आपने जो करना है, कुछ लोगों को क्या होता है सर्वाइकल की वजह से जो ये वाला हिस्सा है बहुत ज्यादा पेन करता है, तो इसके लिए यहाँ पे जो ये पॉइंट्स है इन दो पॉइंट्स पे इस तरीके से आपने उंगली लगानी है और इसको क्लॉक वाइज जो है इस तरीके से आपने घुमाना है। ये अगर 5 स्टेप आप जो है रात को सोने से पहले करते हैं, दिन में कभी भी करते हैं पर तेल लगा के करते हैं, तो देखिएगा घर बैठे आपको सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है, गर्दन दर्द है, जकड़न है, अकड़न है, उन सब से आप जो है छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।